विनय घर गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल मनन के ब्लॉग। कैसे हो सब? बढ़िया ही हो गए। तो जैसा देखा होगा अभी क्या होने वाला है, आज गाड़ी का अपनी पेंट रिस्टोरेशन होने वाला है। एक्चुअली देखो, पहले दिखाता हूँ फिर बताता हूँ, तब तक सब्सक्राइब करो। किस साइड होता है? इस साइड, जिस साइड भी होता है सब्सक्राइब करो भाई। जैसा कि आपको पता होगा कि गाड़ी का मैंने बोनट रिप्लेस करवाया था पहले, तो अब हुआ क्या है, इसके ये जो पेंट है ये देखो कैसे छोटे 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 से स्क्रैच लग गए हैं इनमें। ये कैमरे में दिख तो रहे होंगे, ये छोटे छोटे से अजीब से स्क्रैच पड़ गए हैं ये धूप पानी इन चीज़ों की वजह से। यहाँ पर को देखो, यहाँ पर को अजीब से कुछ हो गया है, और इधर भी अजीब से स्पॉट जैसे बन चुके हैं इस तरीके के ये। तो ये दिखने में काफ़ी बुरे लग रहे हैं, देखो अलग ही लग रहे हैं मतलब वो गाड़ी की बॉडी से। तो देखो अजीब सा हो गया है यहाँ पर, यहाँ पर को तो कुछ ज़्यादा ही है। तो हम इसको अब रिपेंटिंग के लिए, पेंट रिस्टोरेशन के लिए जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर कोई स्पॉट जैसे भी अजीब सा कुछ हो गया मतलब। तो हम इसकी रिपेंटिंग के लिए जा रहे हैं, ये बोनट पैनल वगैरह रिपेंट होंगे इसके, और मेरे साथ एक कार्टून और जाएगा। तो गाइस ये बंदा भी अपने साथ जाएगा, शकल दिखाओ, हेलो बोलो सबको। हेलो। तो हम चलते हैं और दिखाता हूँ क्या क्या होने वाली है पेंट रिस्टोरेशन की प्रोसेस, क्या होगा उसमें, सब निकलेगा अलग होगा, उसके बाद सब घिसेंगे, जितना पेंट है निकलेगा, जहाँ जहाँ स्पॉट होंगे वहाँ वो क्या भरते हैं, जो भी भरते हैं वो भरेंगे, फिर पेंटिंग वगैरह होगी। तो देखते रहो फिर कैसी होती है। और रुको 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 रुको, सब्सक्राइब कर लो पहले। इस गाड़ी लेके हम पहुंच गए हैं जहाँ गाड़ी का काम हो रहा है, वो देखो पीछे, और अब शुरू हो रहा है अपनी गाड़ी का काम। मैं दिखाता रहूँगा क्या क्या प्रोसेस होती है। ये टाइटल दिखा मेरा थोड़ा सा, ये देखो उस टाइम भी ये फ़ोन में था, अभी भी ये फ़ोन में, कितना बिजी आदमी है। छुट्टी ऐसा तो मैं दिखाता रहूँगा जैसे कोई काम होता रहेगा। अभी आके लगी है गाड़ी, देखते रहो देखते रहो। गाइस घिसाई चल रही है अभी, उस्ताद घिसाई कर रहे हैं अपनी। पेंट से पहले की घिसाई, रविंद्र रेक कैसा हो गया, ये सफेद सफेद, ये अलग अलग ग्रेड के रेक माल यूज़ करते हैं, पहले मोटा पतला मोटा पतला मोटा पतला करते हुए, जिससे जितनी भी वो से क्या कहते हैं स्पॉट वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं वो सब निकल जाएंगी। गाइस फाइनली बोनेट की बारी आ गई है, और भैया बढ़िया तरीके से रगड़ रहे हैं इसको। चलिए घिसाई, ये देखो घिस के जो बेस पेंट होता है वो बाहर आ गया है। ये देखो स्टिकर की मौत होते हुए, ये आई एम सॉरी इज नो मोर। देखो बिल्कुल सफ़ेद हो गई, और हम सोच रहे हैं इसे सफ़ेद करके ही ले चलते हैं, नया लुक। ये पैटर्न है, इसे गंदगी ना समझे आप, ये पैटर्न है आप इसे गंदगी ना समझे। हाँ ऐसे ले चलते हैं इसको, क्या लुक आएगा देखो। धोने के बाद तो बहुत तगड़ा है, पूरे में ऐसे करवा दे आगे से पीछे तक ऐसे चलेंगे। तो अभी चल रहा है बोनेट की घिसाई तो हो गई, ये देखो ऐसे भी। तो गाइस अब भैया भर रहे हैं इसमें पुट्टी की वाली, कौन सी PPG की होगी कोई, देखो कहाँ कहाँ भरनी है, जहाँ जानी चाहने वहाँ वहाँ भरनी है ना।
मिक्सिंग चल रही है पुट्टी की। और ये लगा दी गई जहाँ जहाँ स्पॉट थे उन उस सरफेस को इवन करने के लिए पुट्टी लगा दी लगा रहे हैं। और ये देखो ये ऑलमोस्ट मर चुका है इसका फिर फोन आ गया। हेलो हेलो। तो गाइस पुट्टी वैसे सिर्फ पुट्टी नहीं होती उसके साथ ये भी लगता है क्या होता है ये जो भी होगा हार्डनर। अच्छा उसको हार्ड करने के लिए पुट्टी के साथ मिक्स करते हैं इसको। मुँह में डाल के देख कैसा लग रहा है ये वाला हार्डनर ये वाला। तो गाइस भैया मास्किंग करना है इसकी सब चीज़ होगी पेंट इधर से उधर नहीं आना चाहिए। बारीकी से बिल्कुल एज टू एज। उसी बीच ये बंदा इधर देख बे कुछ कहना चाह रहा तू गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा ये कह रहा है टाइम नहीं कट रहा है। मैं कैंची दे देता हूँ तेरा टाइम बड़ा होता है मैं वेल्डिंग से कटवा देता हूँ बन नहीं रहा कट जाएगा कट जाएगा अच्छे से कट जाएगा। तो अभी मास्किंग का काम चल रहा है दिखाता हूँ देखो बात अपसेट हो रही तुम्हारे बाइक है। और ये देखो मास्किंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट ये पूरा ढक दिया है सिर्फ जहाँ पेंट होना वहाँ बचा रहेगा। इधर भी पैनल पे होना है तो यहाँ भी मास्किंग नहीं होगी इधर आ गई। इस प्राइमर की बारी आ गई ये देखो अभी सिर्फ प्राइमर को पेंट बैठाने के लिए। तो गाइस कलर हमारा बन के आ चुका है इस डब्बी के अंदर है ये डब्बी खुलेगी और गाड़ी का ये जो फ्यूल टैंक का कवर होता है ये उतारा जाता है इससे फिर कलर कोडिंग वगैरह जो होती है उससे कंप्यूटर से कलर बनाया जाता है इससे इससे हाँ इसी से। और ये क्लियर कोट वगैरह अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कलर के ऊपर होती है। अभी कलर की हमारी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है तो जैसे स्टार्ट होती है मैं दिखाता हूँ। इधर खड़ी हुई गाड़ी वैसे कलर होता है बिल्कुल ढके हुए एरिया पे लेकिन इनका यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी और बन रहा है तो ओपन में हमें कराना पड़ गया। मैं इमरजेंसी भी थी मतलब इमरजेंसी क्या दिमाग में लग गई थी वो एक दिन बाद स्क्रैच लग रही गंदी भी लग रही तो मैं करवा ही दिया। कितने घंटे हो गए हम आए थे साढ़े दस बजे आए थे हम टाइम तीन बजने वाले हैं अभी इतना ही हुआ है। अब मेन कलर होगा उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो अब कलर होता है वो देखो वो देखो भैया हथियार तैयार कर रहे हैं बंदूक अपनी थिनर कलर नहीं कलर उधर है अभी थिनर से सफाई चल रही है बंदूक की। तू कहते गौर से देख रहे थे कभी कभी तो करता ही हूँ मैं भी क्या हालांकि टिन सेट में करा था हाँ इसमें नहीं करा गाड़ी में। तो अभी शुरू होने वाला है बस कलर का काम और देखते रहो कैसा कलर निकल के आता है बढ़िया ही आएगा। तो गाइस वो देखो बंदूक लोड हो गई है इसमें थिनर डला बढ़िया तरीके से तो अपनी गाड़ी का ये वाला कलर है बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने होगा। तो बस स्टार्ट होने वाली पेंटिंग प्रोसेस अभी से धूल मिट्टी लग गई होगी वो हटा रहे हैं। ये देखो शुरुआत घर गया
गाइस उधर काम चल रहा है, पॉप पेंट उड़ रहा है। ये देखो आप, अब टाइम लैप्स में देखो जल्दी जल्दी से। एक कोट होके सूख गया, अब दूसरे की बारी आई। तो गाइस बेसिकली तीन कोट हुए हैं अभी, ये तीसरा है। हम दो सोच के बैठे हुए थे, तू कितने सोच के बैठा था? दो ओनली, दो तो ये तीसरा है, तीसरा भी चल रहा है, चलने दो। चौथी पारी खेलते हुए कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग। चौथा कोट है ये, तीन में भी नहीं रुके, चौथे में रुके हैं। रेड कलर में जो है ना, हाँ कवरिंग कम होती है ना। अच्छा, तो वो कह रहे हैं ये इतने ज़्यादा कोट जो है रेड कलर पे मारने ही पड़ते हैं बेसिकली, कवरिंग कम होती है ना। वाइट या सिल्वर होता है तो हो जाओ, वाइट सिल्वर बैठ गया होता अभी तक दो कोट या तीन कोट में। लाल कलर है, तो गाइस आ गया क्लियर कोट फाइनल। इसके बाद आ जाइए शाइन कलर पे, ये देखो यार बाइक की काम तुम्हारे पास है क्या? नहीं आई अभी, सूख के और आएगी। काम हो गया पूरा, भी क्लियर कोट सूख रहा है। जब तक वो सूखता है हम लाइट के इंतजार ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। टाइम क्या हो गया? 3:30, बहुत देर हो गई। देखो से पड़ा हुआ है, क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं, गरीब आदमी पढ़ेंगे। तो वो हो रहा सूखने, तो थोड़ा सूखेगा उसके बाद घर को जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है उसमें डस्ट वगैरह फिर चिकल गई, बहुत बुरी लगेगी, फिर ऐसे फोड़े जैसे दाने जैसे हो जाएंगे अगर क्लियर कोट के ऊपर डस्ट आ गई। तो डस्ट तो आ रही है उसमें, लेकिन मैंने थोड़ी लगाई है इधर, गाड़ी जिन्होंने करा उन्होंने ही लगाई है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है अभी भी नहीं है, हम दोनों की नहीं है, हम तो पीछे बैठे हैं। तो सूखने देते हैं उसे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा रहा। पहले तो देख लिया होगा कैसी हो रही थी, हाँ मतलब वो तो क्योर हो गया जितना भी था, क्योर होना ही था जब पेंट दोबारा हो गया। पेंट भी सही है, अभी ये मुखड़ा इसका ढका हुआ है, बंद कर मुखड़ा इसका ढका हुआ है, तो मुखड़े से पर्दा हटेगा तो पता चलेगा कि कैसा पेंट आया है। तो वो सूखने का इंतजार करते हैं, देखते रहो तो देखो, सब्सक्राइब तो करो, क्या दे लाइक भी कर देना, सब पहले सब्सक्राइब भी कर लो। इस बेचारे की बस शक्ल देख के कर लो, इसकी कर लो, देखो कैसा पड़ा हुआ, 3-4-5-6 पता नहीं कितने सारे घंटे हो गए, देख 10:30-3:30 हो गए, हाँ इतने सारे घंटे वो पड़ा हुआ, इसकी शक्ल देख के सब्सक्राइब कर लो, मेरी देख के नहीं कर रहे हो तो। धूल बहुत उड़ रही है, अभी मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर पर। इसी बीच टहलते हम लोगों को बच गए 5:30, और काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अब बचा हुआ है क्या है कि लास्ट में टचिंग होनी है थोड़ी बहुत, और जो साफ सफाई पेंट इधर उधर उड़ गया उसको सही करना है। हालत ख़राब हो गई यार भाई, बोल एक मैगी में जिंदा, और मैगी चिप्स कोल्ड ड्रिंक, देखो अल्मोड़ा देखो अपना कितना प्यारा लग रहा है, अरे अपना अल्मोड़ा प्यारा, क्या कहने की बात है उसमें। तो दिखाता हूँ मैं क्या अभी स्टेटस है, करंट स्टेट। तुम्हारे भाई को अंग्रेजी भी आती है, क्या बात कर रहे हो, हंस रहे, देखो बताओ इनको। तो देखो यह है करंट स्टेटस,
काम वो वैसे तो सब पेंट का हो गया पूरा। भैया इधर देखो पहले, नाम बताओ अपना। नाम संजय। संजय भाई यहाँ बहुत बढ़िया काम करते हैं, तसल्ली से बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ सफाई चल रही है। और ये देखो बस अब साफ सफाई होना बाकी है, बाकी तो हो गया है। ये मेरा फोन दिख रहा होगा, गाइस फाइनली हो गया काम पूरा, करीब 6 करीब बज चुके हैं मैं काम करवाते करवाते। अब देखो कैसा रहा काम अपना। अभी धुलाई होनी बाकी है गाड़ी की, वो अभी हो नहीं सकती, परसों को होगी, एक दिन गैप रहेगा। तो गाइस ये देखो ये है बिल्कुल एकदम चमकता हुआ। अभी इसमें थोड़ी डस्ट लग गई है, वो जब धुलेगी तब हट जाएगी, लेकिन बिल्कुल चमक रहा है मामला। और थोड़ा सा अंतर तो दिखेगा ही क्योंकि ये पुराना पेंट है, ये नया पेंट है। ज़्यादा दिक्कत होगी, हम यहाँ भी नया पेंट फिर से करा देंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। अभी धुलाई भी होनी बाकी है तो थोड़ा और फर्क आएगा। इस साइड से ऐसी है, मतलब काफ़ी अच्छा पेंट तो कराया है, आगे का देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा रहता है। होगा बढ़िया हो रहा था पेंट, अब हम भी चल लेते हैं घर को। कुत्तों देख, कुत्तों ऐसी शक्ल हो रही है इसकी, मैं तो स्मार्ट हूँ मेरा भाई स्मार्ट है। तो चल रहे हैं हम घर को, और वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट कर देना। और अगर आपको भी गाड़ी में डेंटिंग वेंटिंग कुछ करानी होगी, यहीं करानी होगी अल्मोड़ा में, श्रीराम ऑटोमोबाइल था पांडे खोला अल्मोड़ा पे, अगर करवानी होगी तो मैं नीचे नंबर छोड़ दूंगा, आप वहाँ पे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और भाई का नाम ले लेना तो बात ही अलग हो जाएगी तुम्हारी। तो हम चल रहे हैं घर को, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को बहुत सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करना ही करना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।